हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का जो मेकअप लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही कम प्रोडक्ट्स का यूज़ करके मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। और सबसे बड़ी बात, इस मेकअप लुक को आप किसी भी आउटफिट के साथ और किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी ओकेशन पर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ओकेशन पर आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर रोज़ वाटर एज अ टोनर, मैं इसको लगा लूँगी। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये एकदम सिंपल मेकअप लुक होगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर गार्नियर की ये सीरम है, लाइट वेट सीरम है, ये मेरे फेस पे बहुत सूट करता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, मेरा शेड है इसमें ओरिजिनल। ये गाइस बहुत अच्छी बीबी क्रीम है और मुझे पर्सनली बहुत बहुत फेवरेट है। इसको मैं पूरे फेस पे इस तरीके से डॉट डॉट करके लगा लूँगी, नेक पे भी लगा लूँगी। इसके बाद मैं फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। मैंने कोई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया है इसमें, एकदम फ्लॉलेस नज़र आती है ये फिंगर से मैंने ब्लेंड किए। इसके बाद मैंने लिया है ये मी ऑन का कॉम्पैक्ट, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ, इसमें SPF 15 है और हमारी जो बीबी क्रीम है उसमें SPF 30 है, तो हमारा SPF का काम भी हो गया, हमें सनस्क्रीन अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ऑल ओवर फेस पे मैं लगा लूँगी। इसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर FC का आईब्रो पेंसिल। इसमें जो ब्रश है इससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है हमें आईब्रो को ड्रॉ करने में। इससे मैं अपनी आईब्रो को शेप दूंगी और अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है ये मालियो की आईब्रो किट। इससे मैं लाइटेस्ट सेट लेके क्रीज एरिया पर लगाऊंगी इस तरह। गाइस मेरी हुडेड आईज हैं इसीलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा क्रीज ऊपर तक करनी पड़ती है, आप अपनी क्रीज एरिया पर ही करें। और अगर आपकी हुडेड आईज हैं तो आप इसी तरह से करें। इसके बाद मैं डार्केस्ट सेट लेके कॉर्नर में इसको थोड़ा डार्क करूंगी आई शेडो को, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है। इसके बाद मैं थोड़ा कलर पिक करके वाटर लाइन पे भी कलर लगाऊंगी इस तरह। गाइस ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, ये मैंने दोनों आईज पे कर लिया है। अब बिल्कुल लाइटेस्ट शेड लेके मैं लिड को पूरा कवर करूंगी इस तरह। अब इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर L18 का काजल पेंसिल। गाइस ये इतना अच्छा काजल है और ये अफोर्डेबल भी है और सबसे ज़्यादा जेट ब्लैक है। इसको मैं अपनी अपर लाइन्स पे कर लूँगी। इसके बाद मैंने ये काजल से एज अ लाइनर क्रिएट किया है। उसके बाद इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी जिससे एक स्मोकी लुक आएगा। गाइस मैंने यहाँ स्मोकी लुक क्रिएट किया है। स्मोकी लुक किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी मेकअप लुक के साथ बहुत अच्छे से जाता है, बहुत अच्छा लगता है और आजकल ट्रेंड में भी है। स्मोकी इफेक्ट के बाद मैंने लिया है यहाँ पर कॉन्चोरिंग। हल्का हल्का कॉन्चोर करूँगी मैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हार्श नहीं करना है, मुझे एकदम सॉफ्ट मेकअप लुक चाहिए, इसीलिए मैंने बिल्कुल हल्का हल्का कॉन्चोर किया है अपने फेस को। नोज़ को भी कॉन्चोर कर लेंगे हम। हाथ बिल्कुल हल्के हल्के चलाने हैं, बिल्कुल लाइट।
इस तरह मैं कॉन्ट्योर कर लूँगी। अब बात कर लेते हैं मस्कारा के लिए। मैंने लिया है मालियो का मस्कारा, ये वाटरप्रूफ है, बहुत ही अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है। इसके बाद मैंने ली है यहाँ पर लैक्मे की एनरिच लिप क्रीम लिपस्टिक, इसको मैं एज अ प्लस यूज़ करूँगी। गाइस प्लस मुझे बहुत पसंद है, और इससे लिपस्टिक से ब्लश लगाने से क्या होता है, ब्लश हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलता है। यहाँ मैंने ब्राउन कलर का शेड लिया है लिपस्टिक के लिए। लिपस्टिक के लिए मैं आप लोगों को एक टिप्स दूंगी, लिप को कॉन्ट्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। हल्का सा क्या करेंगे हम, इस तरह फिंगर को नीचे लेके जाएंगे, इससे क्या है लिप बहुत पॉप आउट होके दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इफेक्ट अच्छा आता है। दैट्स इट, अब फाइनल लुक।